वेब सीरीज स्टोरी एक्सपर्ट प्रेजेंट्स दी अगली ट्रूथ। फ्रेंड्स, हम अपने दिलो दिमाग में अपने सपनों का लाइफ पार्टनर सोच लेते हैं, उसी की कल्पना करते हैं, और अगर कोई ऐसा शख्स हमें दिख जाए तब हम अपने आप को उसके अकॉर्डिंग बदलने लग जाते हैं। तब हम वो नहीं रह जाते जो कि हम हैं, अपने आप को दिखावे में बदल लेते हैं। ऐसे में अगर हमें वो शख्स मिल भी जाए तो फिर हमारी एग्जिस्टेंस का क्या? क्या हमारा वजूद रह पाता है या फिर हम एक पपेट बनकर रह जाते हैं? इसी सवाल का जवाब ढूंढती है ये अगली ट्रूथ। इस फिल्म के IMDb रेटिंग की बात करें तो वो है 6.4, जो कि काफ़ी बेहतरीन कही जा सकती है। ये कहानी है एबी की। एबी एक मॉर्निंग शो की TV प्रोड्यूसर है कैलिफोर्निया में। उसे सच्चे प्यार में भरोसा है। उसका मानना है कि प्यार जब होता है तो ज़िंदगी बदल देता है। कई किताबें जैसे कि चिकन सूप फॉर द सोल, मैन आर फ्रॉम मार्स, वुमेन आर फ्रॉम वीनस, इन सब को पढ़कर उसने प्यार के बारे में एक अलग थ्योरी बनाई है जो कि बिल्कुल उसके ख्वाबों जैसी है। उसने प्यार के सपने तो देख लिए हैं पर उसके शो की TRP ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही। वो दिन पर दिन गिरती जा रही है। इसकी वजह से वो थोड़ी परेशान है। एक दिन उसकी नज़र गई एक TV शो पर जिसका नाम था दी अगली ट्रूथ, और इस शो का होस्ट था माइक। माइक की प्यार के बारे में अलग ही थ्योरी है। इनफैक्ट उसकी कोई थ्योरी ही नहीं है। वो प्यार, रिलेशनशिप, इन सब में भरोसा ही नहीं करता। उसका मानना है कि मर्द औरतों से हमेशा कुछ न कुछ चाहता है, इसीलिए वो झूठा प्यार दिखाता है, वरना मर्दों को औरतों में कोई दिलचस्पी नहीं। तो दूसरी तरफ औरतें भी गोल्ड डिगर होती हैं, हमेशा पैसों के पीछे भागती हैं या फिर लड़कों के लुक्स के पीछे भागती हैं। उनके अंदर भी प्यार जैसी कोई फीलिंग नहीं होती, ये सब दिखावा है। इनफैक्ट प्यार तो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये सिर्फ कहने की बात है। मर्द और औरत दोनों ही खोखले होते हैं। दोनों एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आते हैं, पर कोई भी इस रिलेशनशिप को निभाता नहीं है। इस दुनिया में ऐसा कोई भी कपल नहीं है जो कि खुश हो, सब एक दूसरे से परेशान है। जब एबी ने ये सब माइक को कहते हुए देखा TV शो पे, तो उसे ये सब पसंद नहीं आया। ये शो दरअसल लाइव शो है, इसमें कोई भी ऑडियंस तुरंत कॉल कर सकती है। सो एबी ने भी इस शो में माइक को फ़ोन लगाया और अपनी बात रखी। उसने कहा, तुम कैसे इंसान हो? तुमने शायद खुद ज़िंदगी में कभी किसी से प्यार नहीं किया, इसीलिए तुम ऐसी बातें कर रहे हो। माइक एबी से बिल्कुल भी एग्री नहीं कर रहा था। उसने कहा, तुम चारों तरफ देखो, क्या तुम्हें कहीं प्यार दिखता है? सब झूठ है, दिखावा है। इस पर गुस्सा होकर एबी ने फ़ोन काट दिया। वो इतना गुस्सा है कि अगर वो इंसान उसके सामने आ जाए तो उसे मार दे। और अगली सुबह ऐसा ही हुआ। उसके ऑफिस में माइक ने दस्तक दी। उसने अपने कलीग से और सीनियर से पूछा, ये यहाँ क्या कर रहा है? सबने बताया कि हमें इसकी ज़रूरत है, तुम्हारे शो की TRP ऑलरेडी इतनी गिर रही है कि सिर्फ ये शख्स ही इस TRP को बढ़ाने में हमारी मदद कर सकता है। ये अपनी बातों से ऑडियंस को खींचेगा और इस तरह हमारा शो फिर से कमबैक कर लेगा। एबी हालांकि माइक को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। वो नहीं चाहती कि माइक का बिल्कुल भी इंटरफेरेंस हो उसके शो में। उसने तुरंत उससे मिलते ही ये बता दिया कि वही वो शख्स है जिसने कल उसके शो पे फ़ोन किया था। माइक ने इस पर कोई भी रिएक्शन नहीं दिया, बल्कि वो हंस पड़ा। उसने कहा, तो वो तुम हो जो इस झूठ भरी दुनिया में प्यार ढूंढ रही है। एबी ने इसका कोई जवाब नहीं दिया और यहाँ से चली गई। कुछ समय के बाद ये शो अच्छा करने लगा है और इसकी TRP बढ़ने लगी है, पर अभी भी एबी चाहती है कि माइक इस शो को छोड़ दे, उसे ज़रा भी पसंद नहीं करती। इन्हीं सब में एबी के पड़ोस में एक शख्स आया है रहने, जिसका नाम है कोलिन। कोलिन बिल्कुल वैसा है जैसा एबी अपने सपनों में देखा करती है। वो बिल्कुल मैन ऑफ ड्रीम है, बिल्कुल वैसी ही पर्सनैलिटी, वैसी ही सोच। जब वो पेड़ पर चढ़कर उसके घर की खिड़की से उसको देख रही थी कि तभी अचानक उस पेड़ की डाल टूट गई और वो गिरने लगी, और वो उस टूटी ही डाल से लटक गई। उसकी आवाज़ सुनकर कोलिन ने उसे खिड़की से देखा और दौड़ता हुआ उसे बचाने गया। एबी इस समय बहुत नर्वस है, उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो कैसे रिएक्ट करे। कोलिन उसे अपने घर लाया, उसकी फिजियोथेरेपी की और उसे अपने घर जाने को कह दिया। एबी आज इतनी खुश है कि वो खुशी के मारे ये इंसिडेंट सबसे शेयर करना चाहती है। उसने अपने सभी दोस्तों से बताया कि वो अपने सपनों के राजकुमार से मिली, अगर वो उसे मिल जाए तो उसकी ज़िंदगी बदल जाए। माइक को जलाने के लिए उसने उससे भी ये सारी बातें बताईं। माइक ने कहा, तुम फिक्र मत करो, उसे पाने में मैं तुम्हारी मदद करूँगा। एबी को ज़रा भी भरोसा नहीं कि वो कोलिन को पा सकती है। माइक ने कहा, मैं तुम्हारी मदद तो करूँगा और वो तुम्हारे पास आएगा भी, लेकिन तुम्हें मुझे इस शो में सपोर्ट करना होगा ताकि ये शो और भी अच्छा चल सके। एबी ने तुरंत ही माइक की बात मान ली। वो किसी भी तरह कोलिन को पाना चाहती है। अब एबी वही करती है जो माइक उसे बताता है।
कभी वो कहती है कोलिन को इग्नोर करो तो वो कर देती है, कभी कहती है उसे फ़ोन करके उसे वेट कराओ तो वो भी करती है। और ऐसे धीरे धीरे कोलिन एबी में इंटरेस्ट लेने लगा है। एबी वो वैसे ही कपड़े पहनती है जैसे कि कोलिन को पसंद है, वैसे ही हेयर स्टाइल रखती है, वैसे ही बातें करती है जो कोलिन पसंद करे। उसे भरोसा ही नहीं हो रहा कि कोलिन उसे पसंद करता है। उसने अपने आप को इस तरह बदला जितना वो बदल सकती थी। जब भी वो उसके साथ होती है कुछ ना कुछ अलग प्रटेंड करने की कोशिश करती है, जैसे कि वो नहीं है, कोई और है। उन चीज़ों को भी पसंद करती है जो कोलिन उससे कहता है। उसे डर लगता है कि कोलिन उसे छोड़ ना जाए। इसी क्रम में वो सब खाती है जो कि कोलिन उसे खाने को देता है। इन्हीं सब में एक बार माइक और एबी को एक ही होटल में रुकना पड़ा, पर दोनों ने अलग अलग कमरे लिए थे। दोनों की नज़रें मिली और दोनों एक दूसरे को किस कर बैठे। दोनों ने रियलाइज़ किया कि ये एक मिस्टेक है और इसे सुधार लेना चाहिए। इसके बाद दोनों अपने अपने कमरे में चले गए, पर माइक अपने कमरे में आने के बाद भी उस मोमेंट को भुला नहीं पा रहा था जब उसने एबी को किस किया था। इधर एबी भी कंफ्यूज है कि उसके साथ हो क्या रहा है, ऐसी फीलिंग उसे पहले कभी नहीं आई। इतने में उसके घर का डोर बेल बजा, उसे लगा माइक है। उसने तुरंत गेट खोला, पर वो तो कोलिन था जो वहाँ पर खड़ा था उसका वेलकम करने के लिए। वो तुरंत ही अंदर आ गया। कोलिन एबी के क्लोज आने वाला था कि तभी एबी को ये रियलाइज्ड हुआ कि क्या वो अपनी ज़िंदगी में यही चाहती है। माइक के साथ वो बिल्कुल वैसे रहती है जैसे वो है, उसे कुछ भी प्रटेंड नहीं करना पड़ता, जबकि कोलिन के साथ वो एक अलग ही शख्स बन के रह जाती है। कोलिन का प्यार पाने के लिए उसे कितना प्रटेंड करना पड़ेगा। ये सब सोचते हुए उसने अपनी विग उतार दी और अपने आप को कोलिन के सामने जाहिर कर दिया। साथ में उसने ये भी कहा कि मुझे ये पसंद नहीं जो तुम खाते हो और जो तुम मुझे खाने को कहते हो, मुझे हमेशा तुम्हारे सामने कुछ और बनना पड़ता है और इस तरह मैं तुम्हारे साथ साथ अपने आप को भी धोखा दे रही हूँ। इन्हीं समय माइक दरवाजे पर आ गया। उसने इन दोनों को एक ही साथ कमरे में देखा तो काफ़ी उदास हुआ और यहाँ से चला गया। एबी ने कोलिन से कहना जारी रखा, मुझे माफ़ कर दो, मैं अब और ज़्यादा नकली इंसान नहीं बन सकती। और ये कहते ही उसने ये रिश्ता तोड़ दिया। इसके बाद वो अपने घर आ गई। उसे नहीं पता कि माइक उससे सच में प्यार करता भी है या नहीं, पर अब वो अपने आप को किसी के लिए नहीं बदलेगी, इस बात का उसे पूरा यकीन है। अब वो सिर्फ अपने आप से प्यार करती है सबसे ज़्यादा। माइक ने भी ये शो छोड़ दिया है और साथ ही दूसरा शो ज्वाइन कर लिया है। अब एबी को इस शो को चलाने के लिए एक दूसरा होस्ट चाहिए जो कि माइक की तरह ही मैजिक क्रिएट कर सके। उसने एक लड़का हायर भी कर लिया है जो कि थोड़ी बहुत माइक की कॉपी कर लेता है, पर फिर भी वो अच्छे से नहीं कर पा रहा। एबी को ये महसूस हो गया है कि ये उतना कैपेबल नहीं है कि इसके शो को आगे ले जा पाए, लिहाजा वो खुद ही कैमरे के सामने आ गई और उसने माइक के लिए अपना गुस्सा उतारा। कहा कि सारे मर्द एक जैसे होते हैं, इनके अंदर कोई फीलिंग नहीं होती, वो सिर्फ औरतों से अपनी ज़रूरतें पूरी करना चाहते हैं और सोचते हैं कि हर औरत गोल्ड डिगर होती है, पर ऐसा नहीं है, सारी औरतें ऐसा नहीं सोचती। इस समय एबी लाइव थी और माइक उसे देख रहा था। वो अपने आप को रोक नहीं पाया और दौड़ते हुए शो पर गया, एबी से कैमरे के सामने ही मिला। इन्हीं सब में वो बैलून जिस पे दोनों खड़े थे ये उड़ने लगा और दोनों इस बैलून में खड़े उड़ रहे थे। कैमरा ऑन था और हवा में भी दोनों की लड़ाई जारी है। एबी ने माइक से कहा, तुम्हारी वजह से मुझे कुछ और बनना पड़ा, इतने दिनों तक मुझे प्रटेंड करना पड़ा। माइक ने कहा, नहीं नहीं, ये तुम्हारी गलती है, तुम खुद कोलिन को पाना चाहती थी, उसके लिए तुम कुछ भी करने को तैयार थी, इसलिए मैंने तुम्हें वही सजेस्ट किया जिससे तुम्हें कोलिन मिल जाए, और अब तुम सारा इल्ज़ाम मुझ पर डाल रही हो। माइक ने यह भी कहा कि तुम्हें कभी भी मेरी फीलिंग्स का ख्याल नहीं आया, तुम हमेशा कोलिन के बारे में सोचती थी। ये सब सुनते ही एबी ने बताया कि उसने ऑलरेडी कोलिन से वो रिश्ता ख़त्म कर लिया है और अब वो उसके साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकती। ये सुनकर माइक की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उसने कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर तुम किसी और चीज़ के पीछे भाग रही थी, तो मैं कैसे अपनी फीलिंग्स के बारे में तुम्हें बताता। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे को हग कर लिया और अपनी अपनी फीलिंग्स शेयर करी। फ्रेंड्स, ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है अपने आप से प्यार करना। जब हम खुद को पसंद करने लग जाते हैं तब प्यार अपने आप ही हमारे दरवाजे पर दस्तक दे जाता है, पर किसी की बाहरी खूबसूरती को पाने की चाह में अगर अपने आप को बदलने लग जाएं तो ऐसे में हमें कुछ हासिल नहीं होता, इनफैक्ट हम अपने आप को ही खो देते हैं। वी होप कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर नहीं भी आई तो कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें, और अगर आ गई तो भी करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और किसी फिल्म की कहानी या वेब सीरीज़ की कहानी आप सुनना चाहें तो उसे कमेंट्स में मेंशन करें, हम उसे ही पब्लिश करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।